बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट जल्द ही जारी होने वाला है। आपके इंतजार का घड़ी समाप्त होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि टॉपरों के कॉपी बोर्ड ऑफिस में रिचेक के लिए जाना शुरू हो गया है और टॉपरों का कब से इंटरव्यू शुरू होगा, सभी जानकारी को इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ रिजल्ट कब तक में प्रकाशित हो जाएगा, आपको सभी जानकारी सही सही इस वीडियो में मिलने वाला है। तो इस वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। तो यहाँ पर आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि बिहार बोर्ड 10th रिजल्ट 2022 के लिए एक सटीक जानकारी प्राप्त हुआ है कि बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट कुछ ही दिनों में बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जारी होगा या biharboardonline.com पर जारी कर दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक मैट्रिक टॉपरों की कॉपी बोर्ड ऑफिस में आना शुरू हो गया है, जहां पर बिहार बोर्ड के ऑफिस के बड़े अधीक्षक के द्वारा, एक्सपर्ट्स के द्वारा सभी टॉपर्स की कॉपी को दोबारा चेक किया जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि अब एक्सपर्ट से उनकी रीचेकिंग करवाई जाएगी। शनिवार यानी आज 26 तारीख को मेरिट लिस्ट में ऊपर रहने वाले सभी विद्यार्थियों की कॉपी आ जाएगी। आज से टॉपरों का इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। 26 से 27 तारीख के बीच टॉपर्स का इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि बिहार बोर्ड 2 दिनों में इंटरव्यू की पूरी प्रक्रिया को समाप्त कर देगा। ऐसे में 28 या 29 को बिहार बोर्ड मैट्रिक की रिजल्ट की घोषणा की जा सकती है। बोर्ड की योजना है कि 30 मार्च से पहले नतीजे घोषित कर दिए जाए। 28 या 29 को बिहार बोर्ड मैट्रिक की रिजल्ट घोषित करने की संभावना व्यक्त कर रही है, लेकिन 30 मार्च से पहले नतीजे घोषित करने का पूरा संभावना है। और आगे आप देख सकते हैं कि मोतिहारी के कुछ केंद्रों पर गणित की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। तो मोतिहारी में 25 परीक्षा केंद्रों पर 24 मार्च को गणित की परीक्षा ली गई और उसका आंसर भी बिहार बोर्ड ने शुक्रवार को जारी कर दिया था। आंसर पर अगर किसी व्यक्ति को आपत्ति के लिए 27 मार्च तक समय दिया गया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि रिजल्ट 27 मार्च के बाद ही जारी होगा। उम्मीद की जा रही है कि मैट्रिक रिजल्ट 29 या 30 मार्च को घोषित हो सकता है। बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। मैट्रिक परीक्षा दे चुके 16 लाख से अधिक स्टूडेंट अब रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। मैट्रिक कॉपियों का मूल्यांकन 17 मार्च तक होना था, अब कॉपियां पूरी तरह चेक हो चुकी है। हालांकि 24 मार्च को मोतिहारी के 25 केंद्रों पर हुई गणित के पेपर की उत्तर पुस्तिकाएँ 1-2 दिन में चेक कर ली जाएगी। तो आप इससे समझ सकते हैं कि आपका 30 मार्च से पहले रिजल्ट नहीं घोषित होने वाला है। आपको इधर उधर नहीं भटकना है, आप पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।